हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं youtube.com/techrohit। तो भाई आज की इस वीडियो में ना हम बात करने वाले Realme Buds Classic ईयरफोन के बारे में। अब इस ईयरफोन को मैं पिछले 2-3 महीनों से यूज़ कर रहा हूँ, तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसका एक रिव्यू देने वाला हूँ। जैसे कि यूज़र किसी चीज़ को यूज़ करने के बाद उसका एक फीडबैक या रिव्यू देते हैं, तो उसी तरीके से मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा किस तरीके का ये ईयरफोन है, कितने दिन तक चलेगा, किस तरीके की इसकी बिल्ड क्वालिटी है, साउंड वगैरह और माइक वगैरह सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है अगर आप इस ईयरफोन को खरीदना चाहते हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ईयरफोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पे जो Realme ने यूज़ किया है इसको बिल्ड करने में मटेरियल, वो है रबर टाइप का। आपने काफ़ी सारे ईयरफोन्स में देखा होगा कि रबर टाइप का मटेरियल होता है, लेकिन यहाँ पे जो क्वालिटी है ना वो काफ़ी बेहतर है। ये जो ईयरफोन है जल्दी सी मुड़ के कटता नहीं है। काफ़ी सारे ईयरफोन ऐसे होते हैं जो मुड़ के रबर टाइप के कट जाते हैं या फिर खिंच के ख़राब हो जाते हैं, तो अभी तक इसके साथ में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं आई है। और यहाँ पे इसकी जो वायर है ना वो भी काफ़ी बड़ी, ऐसे छोटी वायर नहीं है, काफ़ी बड़ी वायर है। और काफी सारे लोगों का भी एक सवाल होगा कि वायर बड़ी है क्या ये ईयरफोन टैकल होता है, उलझ जाता है, जैसे कि हमने अगर इसको मोड़ के पॉकेट में रख लिया तो ये उलझेगा तो नहीं। तो हाँ भाई, ये जो ईयरफोन है वो टैकल हो जाते हैं क्योंकि इनकी जो वायर है वो थोड़ी बड़ी है, और अगर आप उसको ऐसे ही पॉकेट वगैरह में डाल लोगे तो ये ईयरफोन उलझ जाते हैं। अब लेकिन ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ऑलमोस्ट जितने भी वायर वाले ईयरफोन होते हैं उनको अगर आप ठीक से नहीं रखते हो तो वो उलझ जाते हैं। लेकिन रही बात इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की कि कितने तक चल जाएगा, तो अगर आप इसको ठीक से रखेंगे तो साल या 2 साल में भी ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि है साउंड क्वालिटी, मतलब इसके अंदर ऑडियो की क्वालिटी किस तरीके की है। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास ये ईयरफोन बहुत दिनों से है, मैंने बहुत सारे सॉन्ग सुने हैं, मूवी वगैरह, वेब सीरीज़ भी देखी है, यूट्यूब वीडियोज़ भी मैं इस पर देखता हूँ, तो अलग अलग चीज़ें मैंने इस पर एक्सपीरियंस की हैं। तो इसके जो साउंड क्वालिटी है ना वो देखो, अगर आप इसकी जो प्राइस है वो देखोगे 350-400 रुपये, तो अगर आप इस ईयरफोन को खरीदोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये वर्थ नहीं है, आपको लगेगा कि हाँ जो पैसे हैं वो वसूल हैं, क्योंकि इसके अंदर बेस भी अच्छा खासा आता है, यहाँ पे आपको ट्रेवल भी मिल जाती है, वोकल्स भी काफ़ी क्लियर आते हैं। मैंने इस प्राइस में और भी ईयरफोन सुने हैं जो कि इतने मुझे बेहतर नहीं लगे, इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे ये हाफ इन ईयर डिज़ाइन के साथ में आता है, मतलब पूरा कान में अंदर तक जाके ब्लॉक नहीं करता कि भाई आपको तब बेस का इफेक्ट आ रहा है ज़्यादा, तो ज़्यादा कान में अंदर नहीं जाता, फिर भी आपको ठीक ठाक बेस यहाँ पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप इसको फुल वॉल्यूम पे करेंगे तो आवाज़ में ना थोड़ी सी जर्जराहट जो होती है वो वहाँ पे आवाज़ बिगड़ने लगती है। लेकिन भाई फुल वॉल्यूम पे मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे सॉन्ग वगैरह या कुछ चीज़ें सुनता होगा, अगर सुनता भी है तो भाई उसके कान खराब होने वाले हैं। तो अगर आप इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में कन्फ्यूज़ हैं कि किस तरीके की अगर आप ले लेते हैं तो आपको साउंड मिलेगी यहाँ पे, तो आप ले सकते हैं इसको 350-400 रुपये में, आपको ये एकदम वर्थ लगेगी। यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी या साउंड आप कह सकते हो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छी है। अब नेक्स्ट एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि इसके बारे में भी बात करनी चाहिए, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि है कम्फर्ट। कम्फर्ट को ना मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि जब तक कोई चीज़ अगर कम्फर्टेबल ही नहीं होगी तो जो ऑडियो क्वालिटी या साउंड क्वालिटी वो बाद की बातें हैं, पहले कम्फर्ट चाहिए। भाई अगर चीज़ कम्फर्टेबल ही नहीं होगी तो हम उसको ज़्यादा देर तक यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, बाद में ऑडियो क्वालिटी या साउंड वगैरह का हम लोग क्या करेंगे। तो अगर मैं इसके कंफर्ट की बात करूं तो देखो, दो तरह के ईयरफोन्स आते हैं, एक इन ईयर वाले जिनमें आगे रबर लगी होती है जो कान में अंदर तक चले जाते हैं और कान को अंदर एकदम ब्लॉक कर देते हैं, तब कुछ लोगों को वो काफ़ी पसंद होते हैं, और कुछ लोगों को हाफ इन ईयर पसंद है जैसे इसका डिज़ाइन है। तो अगर आपको इन ईयर वाले पसंद है जिनमें आगे रबर लगी होती है तो तब आपको इनकी ऑडियो क्वालिटी और फिटिंग वगैरह उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपको हाफ इन ईयर वाला डिज़ाइन पसंद है तो ये आपको इसमें ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में मैंने इसके अंदर एक चीज़ नोटिस की थी कि भाई ये मुझको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा, इसका जो साइज़ है ईयरफोन का जो कान में हम लोग लगाते हैं मुझे वो थोड़ा सा बड़ा लगा। अब ऐसा हो सकता है कि भाई मेरे ही कान छोटे हैं, मुझे ही प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में मुझसे 1 घंटे से ज़्यादा ये ईयरफोन कान में नहीं लगाई जाती थी। लेकिन अब काफ़ी टाइम हो चुका है इसको यूज़ करते हुए मुझे, तो अब इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। अब मैं इसको लगा के वेब सीरीज़ मूवी वगैरह आराम से पूरी देख लेता हूँ, तो ऐसे इतना ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती, लगता है कि अब मुझे हैबिट हो चुकी है या मेरे कानों का साइज़ थोड़ा सा इससे बड़ा हो चुका है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग के दिनों में अगर आपके कान थोड़े छोटे हैं तो आपको शायद ये अनकम्फर्टेबल लग सकती है। अब यहाँ पे लास्ट में एक चीज़ और आ जाती है इस
ईयरफोन की जो कि है माइक। तो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, पहले इसके अंदर मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम लगी वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने ये ईयरफोन अभी कान में लगा लिए हैं और इसकी जो माइक की प्लेसमेंट है ना वो यहाँ पे आ रही है, आप लोग देख सकते हो माइक यहाँ पे है। तो ये यहाँ पे होता या यहाँ पे होता तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि जब हम फ़ोन वगैरह पे बात करते हैं अगर हम इंडोर में हैं तो यहाँ पे भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर ट्रैफिक है या आप आउटडोर में किसी से बात कर रहे हैं तो आपको ऐसे थोड़ा माइक करके बात करना पड़ेगा, वरना जो जिससे आप कॉल पे बात कर रहे हैं उसको ट्रैफिक का आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे इसकी थोड़ी माइक की प्लेसमेंट अगर ऊपर होती तो यहाँ पे थोड़ा सा और बेहतर होता। अब बात करते हैं माइक की क्वालिटी, तो चलो सीधा मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ। तो अब आप ये जो आवाज़ सुन रहे हैं वो Realme Buds Classic के माइक्रोफोन से यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है। मैं रूम के अंदर हूँ, दरवाज़ा बंद है, रूम में थोड़ा एको आ रहा होगा वॉइस में, क्योंकि भाई रूम में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, दरवाज़ा बंद है क्योंकि बाहर बच्चे काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे हैं। तो आप क्वालिटी देख सकते हैं कि इनडोर में किस तरीके की इसके माइक की क्वालिटी है। अभी हम आउटडोर में चलते हैं बाहर की तरफ, तो अब आ चुके हैं हम घर की छत पे। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके की क्वालिटी इसके माइक से आपको आ रही है। बच्चे थोड़ा साइड में खेल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको बाहर की चीज़ें सुनाई दे रही होंगी, लेकिन इस तरीके की अगर आप आउटडोर में बात करेंगे फ़ोन पे तो आपको भी क्वालिटी जो है सामने वाले को वो जाएगी। तो भाई सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं, मैंने ओपनली आपको बताने की कोशिश की, जैसे कि हम किसी यूज़र से रिव्यू लेते हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है किस तरीके से मैंने इसको यूज़ किया है, क्या क्या चीज़ें रही वो मैंने आपके साथ में शेयर की हैं। होपफुली अगर आपका कुछ डाउट था या कन्फ्यूज़न था वो क्लियर हो गया होगा इस ईयरफोन के बारे में। अब आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि ये आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। बस अब इसको हम यहीं पे एंड कर देते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।